अपने जनपद सदस्य सुनील अहिरवार जी हम सबके बीच में उपस्थित है, राम श्याप शुक्ला जी, विशाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं धावा के, हमारे गुंडे पटेल जी जो हमारे मंडल के महामंत्री भी हैं, हम सबके बीच में बलराम पाठक जी, राम लखन गुप्ता जी, हमारे राजकुमार पटेल जी, राजू पटेल जी, हमारे राम शेख पटेल जी, रामकुम दीन पटेल जी, बंसीधर पटेल जी और भी बहुत से लोग हैं। हम सबके बीच में नाम लेंगे तो लंबा समय हो जाएगा हम सब में। हमारे पुष्पेन सिंह भी हमारे आईटी सेल के, हमारे राम राजा पटेल जी, हमारे पिछड़ा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय नद्दू पटेल जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं और भी कई जिनके हम नाम, हमारे अलख महाराज जी हमारे महोई से उपस्थित हैं। सामने विराजमान सभी हमारे समाज के बंधुओं, आप सबको दशहरा की मेरी तरफ से राम राम, सर झुकाकर आप सभी को मेरा प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय, अभी हमने और वक्ताओं से भी सुना, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता मंगल पटेल जी भी हम सबको उद्बोधन दे रहे थे। हमारे और भी हमारे उद्बोधन हुआ हमारे रुद्र पटेल जी का, वृंदावन जी का, सभी ने बहुत ही अच्छी बातें हम सबके बीच में बोली। चंदला विधानसभा की बीच में इसमें विधायक आपका हो, आपका बेटा, आपका भाई मंत्री बनकर आपके आया है, ये भी बात आई है कि पहली बार में मंत्री बनना शायद पहली बार हुआ हो, मुझे जानकारी नहीं है, मगर इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे सांसद आदित्य बेटी शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं और आपको भी ताली बजा के अभिनंदन करना चाहिए कि आपके विधायक को पहली बार मंत्री बनाया। देखिए दशहरा मिलन समारोह का एक कार्यक्रम, ये आयोजन हम सबको बहुत ही सिखाता है, बहुत ही अलग प्रकार से शिक्षा देता है। हम लोग भी जब काम करते थे, वृंदावन भाई ने भी मुझसे कहा कि लोग आए मैं जमीन पर बैठ गया, कुछ लोग मुझसे, बहुत लोग और भी कहते हैं मुझे, ये भी बताते हैं कि तुम भैया सरकार में मंत्री हो तो अपने